हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मूंग दाल ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। सबसे पहले ले लेते हैं 1 कप मूंग दाल। इसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और मूंग दाल बहुत अच्छी तरह से भीग गई है, फूल गई है। और ये देखिए, ऐसे तोड़ने पर टूट भी रही है, तो इसका मतलब मूंग दाल काफी अच्छी तरीके से फूल गई है। अभी हम इसके लिए लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और ये सारी दाल इसमें डाल देंगे। दाल के डालने के बाद इसमें डाल देंगे 2 या 3 हरी मिर्च और डाल देंगे थोड़ा सा अदरक और डाल देंगे थोड़ा सा हरे धनिए की डंडी। इससे टेस्ट काफी अच्छा आता है। डाल देंगे थोड़ा सा नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, और इसको ऐसे ही बस पीस लेंगे, बिना पानी डाले इसको पीसना है। मूंग दाल में जो नीचे थोड़ा सा पानी रह जाता है, बस उसी में ही काम हो गया है। अगर आपको लगे कि थोड़ा ड्राई पेस्ट बन रहा है तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। अब इसको एक अलग से बॉल में निकाल लेंगे। तो देखिए, मूंग दाल का जो पेस्ट है हमें थोड़ा सा थिक ही चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसमें डाल देंगे 1 उबला हुआ आलू, जिसको मैंने हाथ से मैश करके डाला है। आप इसको जरूर डालें, टेस्ट भी अच्छा होगा और प्रोटीन भी काफी अच्छा मिल जाएगा, हमें पेट अच्छी तरह भर जाएगा। अब ये मैंने डाल दिया 1 साबुत मिर्च, इसको कट करके डाल दें, आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। 1 डाल दिया हरी मिर्च और डाल देंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो सीधा गर्म मसाला डाल लीजिए, या कोई और मसाला आप जो डालना चाहते हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, अभी सावन चल रहा है तो मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको ध्यान से अच्छी तरह से चलाना है, जिससे कि आलू भी अच्छी तरह से सारी जगह मिल जाए, एक जगह इकट्ठा होके ना रह जाए। ये लीजिए, बैटर हो गया है रेडी। अब इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच सूजी के, मैं यहाँ पर मोटे वाली सूजी यूज कर रही हूँ, आप जो बारीक वाली सूजी आती है ना वो भी इसमें डाल सकते हैं। सूजी मैंने इसलिए ऐड की है इसमें, जिससे कि कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए बैटर की, और जो इसमें बाइंडिंग आएगी ना वो बहुत अच्छी आएगी। तो बैटर तो हो गया है बिल्कुल रेडी। अब इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे 1 सैशे इनो का, जो छोटे वाला इनो का पैकेट आता है ना, बस वो पूरा हमें इसमें डालना है। मतलब अगर आप शीशी से लेंगे तो 1 चम्मच पूरा भर के हम इनो इसमें डाल देंगे। इससे काफी अच्छा इसमें लुक वाइज अच्छा लगेगा, फूला फूला बनेगा और सॉफ्ट भी बनेगा। अब इनो को एक्टिवेट करने के लिए इसमें डाल देंगे लगभग 1 चम्मच पानी। तो देखिए कैसे इसमें झाग स्टार्ट हो गए हैं, और इस टाइम इसको फटाफट से मिक्स कर देना है। तो देखिए मिक्स करने के बाद कितना फ्लफी हो गया है और बैटर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर रख लेंगे एक पैन और इसको ऑयल से या घी से ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखनी है। ये लीजिए, पैन भी हो गया है हमारा अच्छी तरह से ग्रीस। अब जो हमने बैटर बना के रखा था वो इसमें हम सारा एक साथ डाल देंगे। याद रखिए, फ्लेम बिल्कुल हमें लो रखनी है। बैटर इसमें पूरा डालने के बाद इसको थोड़ा सा प्लेन कर देंगे, मतलब जिससे कि दोनों तरफ से प्लेन रहे। नीचे से तो ऑलरेडी प्लेन हो ही गया है, ऊपर से भी हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल इसको सेट कर देंगे। और बस अब इसको 25 से 30 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम ढककर बनने देंगे। तो चलिए इसको खोलकर देख लेते हैं। तो लग रहा है ये नीचे से बिल्कुल कुक हो गया है और ऊपर से भी काफी ड्राई हो गया है। अब इसको हम हल्के हल्के हाथ से इस नीचे से निकालेंगे, जिससे कि ये टूट ना जाए। तो इसको हमें पलटकर भी 5 से 10 मिनट के लिए कुक करना है। तो देखिए, मैंने इसको दूसरी साइड से भी कुक कर लिया है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। बस इसको 30 से 35 मिनट ही बनने में लगते हैं, काफी मतलब इसमें ये नहीं करना पड़ता है कि फ्राई करना है, काटना है, बस फटाफट से मूंग की दाल लो और उसमें जो जो हमें डालना है फटाफट से उसको ग्राइंडिंग जार में डाल के और ऐसे ही इसके इनो डालो और ये नाश्ता तैयार। तो देखिए कितना बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। मूंग दाल का इतना बढ़िया इसमें टेस्ट आ रहा है और इसको चटपटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर
नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है, आप इसको सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, खाने में भी उतना ही बढ़िया है। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए आराधिका की कुकिंग चैनल। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी और टेस्ट रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।